बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। लेक्चर नंबर टू, सब्जेक्ट साइंस, क्लास सिक्स, चैप्टर नंबर 24, स्मोकिंग किल्स। स्टूडेंट विल एबल टू लर्न अबाउट टोबैको एंड इट्स स्मोक कंटेन, हार्मफुल अफेक्ट एंड हार्मफुल केमिकल्स एंड देयर अफेक्ट्स। What is tobacco? Tobacco is a plant grown for its leaves, which are dried and fermented before being put in tobacco product. Tobacco जो है वो आपके पास एक रिच लीव्स वाला जो है वो प्लांट है, जो कि अमेरिका में जो है वो प्रोड्यूस होता है, अमेरिका में जो है वो ग्रो होता है, विच आर कर्व बाय अ प्रोसेस ऑफ ड्राइंग, जो कि यूज़ होता है आपके पास फर्मेंटेशन फॉर स्मोकिंग एंड च्यूइंग, यानी कि स्मोक के लिए और च्यूइंग के लिए। टोबैको कंटेन निकोटीन, टोबैको जो है वो निकोटीन कंटेन करता है, जिसके इंग्रेडिएंट जो है वो लीड करते हैं एडिक्शन को। पीपल कैन स्मोक, च्यू और स्निफ टोबैको। पीपल जो है वो स्मोक के लिए भी यूज़ करते हैं, खाने के लिए भी, चबाने के लिए भी यूज़ करते हैं, और स्निफ के लिए भी जो है वो टोबैको को क्या करते हैं, और एडिक्शन होते हैं, आदि हो जाते हैं वो। ठीक है, टोबैको के क्या हो जाते हैं, वो बिल्कुल आदि हो जाते हैं, तो इस वजह से वो टोबैको को क्या करते हैं, वो स्मोक भी करते हैं, च्यू भी करते हैं और स्निफ भी करते हैं। ठीक है, टोबैको स्मोक कंटेन, फर्स्ट ऑफ ऑल कार्बन मोनोऑक्साइड। इन द प्रीवियस स्लाइड्स आई विल एक्सप्लेन यू कार्बन मोनोऑक्साइड, इट्स अ पॉइजनस गैस। कार्बन मोनोऑक्साइड हमारी बॉडी में ऑक्सीजन, रेड ब्लड सेल के साथ मिलकर ऑक्सीजन को जो है वो ट्रांसपोर्ट करती है। ठीक है, जो कि हमारे लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह है, हमें जो है वो इश्यू होता है सांस लेने में, ब्रीथ करने में जो है वो हमें इश्यू होता है। नंबर सेकेंड, निकोटीन एक ड्रग है। ठीक है, लोग निकोटीन को जो है वो यूज़ करते हैं। निकोटीन जो है वो आपके पास एज अ ड्रग के तौर पे यूज़ होता है। सेकेंड, आपके पास तार है, अ ब्राउन स्टिकी सब्सटेंस। इरिटेंट जो है वो बेसिकली इरिटेंट जो है वो सैक है, एयर सैक है, यानी कि आपके जो टू लंग्स के जो वन पार्ट है उसको हम सैक कहते हैं, तो ये टू हैं तो सैक्स हैं। ठीक है, दो हमारे जो है वो क्या हैं, सैक है। ठीक है, अच्छा। सेकंड, कैंसर कॉजिंग केमिकल स्मोक, जो टोबैको का जो स्मोक है, जब आप उसको इनहेल करते हैं और जब वो बर्न हो रहा होता है, तो वो स्मोक जो है वो आपके लंग्स को डैमेज करता है, जिसकी वजह से जो है आपके लंग्स जो हैं वो क्या हो जाते हैं, डैमेज हो जाते हैं, और आपके लंग्स बिल्कुल ही डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, आपको सांस लेने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। मोस्टली लंग कैंसर जो है वो स्मोकर्स को होता है, जो स्मोकिंग करते हैं उन्हें जो है वो ये लंग कैंसर होता है। ठीक है, नाउ हार्मफुल इफ़ेक्ट क्या है इनके। सबसे पहले निकोटीन के बारे में बताऊंगी। निकोटीन जो है कॉजेज एडिक्शन, बिल्कुल आपको निकोटीन जो है वो एक आदि कर देता है उस चीज़ को खाने पे, मतलब आप मजबूर होते हैं कि आप जो है टोबैको को स्मोक करें, च्यू करें और स्निफ करें। ठीक है, ये हमारे ब्रेन्स के जो टिश्यूज़ हैं उनको डैमेज करता है निकोटीन, एंड कॉजेज ब्लड टू क्लॉट मोर ईजीली, और ये क्लॉटिंग कर देता है। निकोटीन जो है वो हमारे ब्लड में क्या कर देता है, क्लॉटिंग कर देता है। ठीक है, क्लॉट जब हमारे माइंड में होना शुरू होता है, तो क्लॉटिंग की वजह से हमारी जो वेन्स हैं वो ब्लॉक हो जाती है, जिसकी वजह से बॉडी में जो है ब्लड जो है वो सर्कुलेट नहीं हो रहा होता। ठीक है, हार्डन वॉल्स ऑफ आर्टरीज, वही आपको जो है वो आर्टरीज जो है आपकी वेन्स जो है वो हार्ट की, उनको क्या कर देता है, हार्डन कर देता है। ठीक है, नाउ द सेकेंड इज तार, किल सेल इन एयर पैसेजेस इन आर इन लंग्स, इंक्रीज प्रोडक्शन ऑफ मास्क एंड फ्लेम इन लंग्स, कॉज लंग कैंसर। तार जो है वो आपकी बेसिक वजह बनती है लंग कैंसर की। देन कार्बन मोनोऑक्साइड आई विल एक्सप्लेन यू प्रीवियसली। देन देन आपके पास जो है वो क्या है,
कार्सिनोजिनस, कार्सिनोजिनस जो है वो आपकी कार्सिनोजिनस जो है वो क्या करता है, अ सब्सटेंस कैपेबल ऑफ कॉजिंग कैंसर इन लिविंग टिश्यू, आपके टिश्यूज़ के अंदर जो है वो कैंसर की वजह बनता है, ठीक है। इससे जो है वो आपके टिश्यूज़ जो है वो लंग्स के, तो वो आपके टिश्यूज़ को डैमेज कर रहा होता है, और ये बेसिक वजह जो है वो इसी वजह से बनता है। ये सारी चीज़ें जो है वो इफ़ेक्ट हैं, हार्मफुल इफ़ेक्ट हैं हमारी बॉडी के ऊपर टोबैको के। नाउ द इरिटेंट जो है वो आपके पास, मैंने आपको बताया था कि इरिटेंट जो है वो एक इरिटेंट जो है वो अमोनिया, ब्यूटेन, हाइड्रोजन साइनेट, टोबैको स्मोक किल सेल्स इन एयर पैसेजेस, ठीक है। स्मोक कफ एंड लंग, आपको खांसी होगी, ठीक है, इरिटेंट से आप इरिटेट होंगे, यानी कि खांसी होगी, आपको कफ होगा, आपको ब्रीथिंग में जो वो डिफ़िकल्टीज होंगी, पेन होगा, जिसकी वजह से जो है वो कैंसेरियस जो सेल्स हैं वो क्या होना शुरू हो जाते हैं, डेवलप होना स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। कैंसेरियन सेल्स जो है वो इरिटेट्स की वजह से जो है वो आपके आपकी बॉडी में जो है वो डेवलप होते हैं, तो इरिटेंट भी एक बेसिक रीज़न है, ठीक है, जो कि स्मोक जो हमारी बॉडी के ऊपर जो है वो इम्पैक्ट करता है। लिस्ट 5 मेन केमिकल इन टोबैको स्मोक विच हार्म द बॉडी, कोई भी 5 आपने जो है वो इफ़ेक्ट लिखने हैं जो हमारी बॉडी पे टोबैको के थ्रू जो है वो अफेक्ट हो रहे होते हैं। जजाकअल्लाह, थैंक यू क्लास।